नमस्कार, आपका स्वागत है संगीता किचन ब्लॉग में। आज मैं बहुत ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी नाश्ता बनाने वाली हूँ जो कि बच्चों को लंच में दे सकते हैं। सुबह सुबह का टेंशन होता है कि क्या बनाए आज, बच्चों को क्या दें। बच्चों को थोड़ा अलग अलग चाहिए होता है और टेस्टी भी चाहिए होता है। यदि टेस्टी नहीं होंगे तो बच्चे बिल्कुल भी नहीं खाएंगे। तरह से बना करके बच्चों को लंच में दे सकते हैं, ब्रेकफास्ट में खा सकते हैं, आप चाहें तो चाय के साथ भी खाएंगे तो बहुत ही मज़ा आएगा और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, बनाने में भी बहुत मज़ा आएगा। और यदि मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आपका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सुबह सुबह रोज का टेंशन होता है कि सुबह में क्या बनाए, तो आज बहुत ही ज्यादा मजेदार नाश्ता बना रहे हैं। उसके लिए लिया है बारीक वाली सूजी। देखिए, बारीक वाली सूजी लेंगे तो उसे ज़्यादा अच्छा नाश्ता बनेगा, और यदि मोटी वाली है तो मिक्सी में डाल करके थोड़ा सा चला लेंगे तो वो भी बारीक हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर 1.5 कप सूजी लिया है। कोई भी कटोरी या कप सेव कर ले, उसी से जितना सूजी लिया था उतने ही लेंगे पानी। और यदि गुनगुना पानी लेंगे तो जल्दी से फूल जाएगा, और यदि नॉर्मल पानी लेंगे तो 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ दीजिए। तो मैंने 1.5 कप लिया था सूजी, तो 1.5 कप पानी ले रही हूँ। यह अच्छे से मिक्स कर देंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, देखिए इस तरह से हो गया है। अब इसे रेस्ट के लिए थोड़ा सा रख देंगे 2-4 मिनट। अब जब तक हमारा सूजी फूल रहा है तो तब तक ये आलू मैंने लिया है, ये बॉयल आलू है। आलू थोड़े से छोटे हैं, यदि बड़े हों तो आप 3 आलू ले लीजिएगा, और मेरे आलू छोटे छोटे हैं तो मैं 5-6 आलू ले रही हूँ। तो इस तरह से ग्रेटर से ग्रेट कर लेंगे। बिल्कुल बारीक लम्ब्स नहीं होने चाहिए, लम्ब्स हो बिल्कुल नहीं रहेंगे तो हमारा नाश्ता जो है बहुत ही अच्छा बनेगा। तो इसी तरह से ग्रेट कर लेंगे। मैंने अच्छी तरह से आलूओं को ग्रेट कर लिया है, पर हमारे आलू थोड़े छोटे थे तो छोटे वाले ग्रेट करने में थोड़ी सी मुश्किल होती है। तो आप यदि आपके ग्रेट करना हो तो आप बड़े वाले आलू ही लिया करिए। मेरे पास इस वक्त बड़े वाले आलू नहीं थे। इस तरह से मैश करने से जो छोटे छोटे से रह गए होंगे, छोटे छोटे आलुओं में थोड़ी सी रह जाते हैं, तो वो भी अच्छी तरह से मैश हो जाएंगे। तो इनको अच्छी तरह से मैंने मैश कर लिया है। अब इन आलुओं में बारीक कटा हुआ हरी मिर्च डाल देंगे। जितना तीखा आप खाते हैं उसी तरह से डालिएगा, यदि बच्चे को खाना है तो कम डालिएगा। बारीक चॉप किया हुआ अदरक डाल देंगे। एक प्याज है बारीक चॉप किया, आप यदि खाते हैं तो डालिए वरना स्किप कर सकते हैं। हरी धनिया डाल देंगे, 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर। एक मैंने चॉप किया हुआ टमाटर लिया है, पल्प के साथ ही लिया है इसे। स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। 1 चम्मच चाट मसाला, 1/2 चम्मच भुना जीरा पाउडर डाल रहे हैं, इसे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। 1/2 चम्मच अमचूर पाउडर डाल रहे हैं, थोड़ा खट्टा तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा और टेस्टी बनेगा। और डाल देंगे चिली फ्लेक्स 1/2 चम्मच। अब इन सबको हाथों से ही अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है ये नाश्ता। सुबह सुबह बहुत ही परेशानी होती है, क्या बनाना है, दिमाग में चलता रहता है आज क्या बनाए आज क्या बनाए। ये देखिए बहुत अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया है। अब इसे रखते हैं साइड में, और जो सूजी मैंने फूलने के लिए रखा था ये सूजी को देख लेते हैं। सूजी हमारी देखिए अच्छी तरह से फूल चुकी है, इस तरह से हो गया है। तो इसे अब क्या करेंगे, गर्म पानी डालने की वजह से बहुत ही जल्दी फूल जाता है, इसे अच्छी तरह से फेंट लेंगे। जितने अच्छे से फेंटेंगे इसे उतना अच्छा हमारा नाश्ता बनेगा, और एक ही डायरेक्शन में इसे फेंटेंगे, दूसरी तरफ इसे नहीं घुमाएंगे। इस तरह से इसे फेंट लिया है। अब जो मैंने आलू का मिश्रण बना करके रखा हुआ है इसे इसी में मिक्स कर देंगे। ये देखिए अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, इसको थोड़ा सा और फेंट लेंगे। जितना हम अच्छी तरह से फेंट लेंगे उतना ही अच्छा नाश्ता बनेगा, उतना ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा और बहुत अच्छे से बन करके निकलेगा। सुबह के भागम भाग में बहुत ही अच्छा नाश्ता बनता है, ये बच्चों को टिफिन में भी दे सकते हैं, बच्चों को भी बड़ों को भी सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। और ये नाश्ता हल्का फुल्का भी होता है और जल्दी से बन करके तैयार हो जाता है। घर में सामान जो पड़े होते हैं उन्हीं से बन जाता है। यदि उबले हुए आलू आपके पास फ्रिज में नहीं पड़ा है तो आप कच्चे आलू को भी ग्रेटर से ग्रेट करके अच्छी तरह से धो करके ले सकते हैं, उससे भी अच्छी तरह से बन जाएगा। तो ये देखिए मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, ये देख लीजिए बैटर इसका, इसी तरह से इसका बैटर होना चाहिए। ये देखिए बिल्कुल जो इडली का बैटर होता है ना, बिल्कुल उसी तरह का है।
अब मैंने गैस ऑन करके ले लिया है तवा, उसके ऊपर 2 चम्मच तेल डाल दिया है और इसे अच्छी तरह से फैला देंगे। आप चाहें तो और कम तेल भी डाल सकते हैं इसके ऊपर। अब यहाँ पर डाल देंगे कुछ राई के दाने और कुछ कड़ी पत्ता डाल देंगे। अब छोटे छोटे से पैनकेक की तरह इसके ऊपर डाल देंगे, उसी तरह से और भी डाल देंगे। जितना आ जाएगा इसमें उतने ही डाल देंगे। मेरे तवे में 3 आया तो मैंने 3 ही डाला है, आपके तवे में जितना आता है तो उतना डाल दीजिए और इसे बस चिपके नहीं, इतना ध्यान रखिए। एक तरफ से जैसे सीख जाए तो दूसरी तरफ इस तरह से पलट देंगे। देखिए एक तरफ कितना अच्छा कलर आ गया है, तो इसी तरह से इसे भी पलट देंगे। ये देखिए उलटते पलटते अच्छी तरह से सेक लेंगे इसे अच्छा कलर आने तक, ताकि खाने में तो अच्छा है ही, देखने में भी अच्छा लगे। ये देखिए अच्छी तरह से सिक गया, आपको पास से दिखा रहे कितना अच्छा कलर आया है। इसे हम निकाल देते हैं, ये देखिए, तो इसे हम उतार लेते हैं और दूसरा वाला भी डाल देंगे। दूसरी बार तेल नहीं डाल रहे हैं इसमें, थोड़ी सी डाल रही हूँ मैं राई के दाने और ये डाल रही हूँ कड़ी पत्ते। अब जैसे पहली बार डाला था उसी तरह से डाल देंगे। आप चाहें तो इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा सा तिल डाल सकते हैं, और इस तरह से तो आप तिल डालेंगे और पलटेंगे ना, तो ये बहुत ही अच्छा सा क्रिस्पी हो जाएगा और खाने में इसका स्वाद जो है बहुत ज़्यादा अच्छा सोंधा सोंधा आता है। अब इसे एक बार पलटने से पहले 2-2 बूंद इस तरह से तेल डाल देंगे। एक तरफ से पक जाने के बाद इसे भी हम उसी तरह से पलट देंगे और बाकी सबको जैसे पहले बनाया था उसी तरह से सेक लेंगे। ये देखिए हमारे सारे नाश्ते बनकर के तैयार हो गए हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है। एक तरफ से इस तरफ से दिखेगा और दूसरे तरफ से इस तरह से दिखेगा, और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी भी है और हल्का फुल्का भी होगा। तो इस तरह से नाश्ता ज़रूर से बनाएं आप भी। इस तरह से बच्चों को लंच बॉक्स में बना करके देंगे तो बिल्कुल झटपट से ख़त्म करके लाएंगे। तो यदि मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, और यदि मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, नोटिफिकेशन ऑन हो जाएगा और चैनल तो सब्सक्राइब कर ही दीजिए। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।